नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल का मैच नंबर 35 डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार अपने पिछले 3 मुकाबले हारी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि टीम अपने सेम प्लेइंग 11 के साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उतरे। इसके अलावा गुजरात टाइटंस इस आईपीएल सीज़न की सबसे कामयाब टीमों में से एक है। अब तक टीम लगातार जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। आपको बता दें कि डेविड मिलर ने बहुत हद तक टीम को सपोर्ट दिया है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी रन बना रहे हैं। विजय शंकर टीम के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है, लेकिन हो सकता है कि टीम उन्हें एक बार फिर प्लेइंग 11 में शामिल करे। पिच की बात करें, ग्राउंड की बात करें, तो डीवाई पाटिल स्टेडियम में सीएसके और एमआई के बीच में मुकाबला खेला गया, जहां पर 155 रन आसानी से चेज हो गए। तो ऐसे में हो सकता है कि चेजिंग की तरफ ही कप्तान रुक करे और टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का निर्णय करे। प्लेइंग 11 की बात करें तो कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर, एरोन फिंच, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, शेल्डन जैक्सन, सुनील नारायण, पैट कमिंस, शिवम मावी, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती शामिल हो सकते हैं। गुजरात रिधिमन शाह, शुभमन गिल, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अल्जारी जोसेफ, लोकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद शमी के साथ उतर सकती है। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो कोलकाता के लिए एरोन फिंच, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा के साथ साथ सुनील नारायण, पैट कमिंस, शिवम मावी पर सभी की नजरें होंगी। इसके अलावा गुजरात टीम से शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान के साथ साथ मोहम्मद शमी पर सभी की नजरें होंगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस मुकाबले में, क्या गुजरात अपनी जीत की लय को बरकरार रखती है और कोलकाता क्या हार को भुला करके जीत के साथ आगे बढ़ती है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुकाबले के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।